सलमान खान की राधे योर मोस्ट वांटेड बाय, जिसको आप हिंदुस्तान में तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन काफी देशों में ये आपको थिएटर्स में भी देखने को मिल रही है। तो चलिए ओवरसीज कलेक्शन की बात कर लेते हैं कि आखिर राधे का ओवरसीज कलेक्शन क्या कहता है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मुझे फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, यूजर नेम है RJ_IG। हाँ जी, तो राधे योर मोस्ट वांटेड भाई, 13 मई को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ईद के मौके पर भाई ने सबको ये दी थी। आपको हिंदुस्तान में तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरसीज मार्केट्स, स्पेशली बात करूं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, ये फिल्म काफी अच्छा कर रही है। आपको बता दूं कि तीसरे दिन इस फिल्म ने जो बिजनेस किया है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मिला के, वो है 76 लाख रुपीज। जी हाँ, 76 लाख प्लस ही किया है, कुछ और अमाउंट भी है इससे ऊपर, 76.75 है शायद। और इसके अलावा मैं बता दूं कि ये तीसरे दिन के कलेक्शन में काफी ग्रोथ देखने को मिली। मतलब दूसरा दिन जो था वो थोड़ा सा डल गया था, लेकिन तीसरे दिन एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छी हाइप देखने को मिली है। और अब टोटल कलेक्शन जो राधे का टिल डेट हो गया है ओवरसीज, वो है 1.83 करोड़, यानी कि 1,83,00,000 रुपए अभी तक राधे का कलेक्शन हो चुका है रिलीज के बाद मात्र 3 दिनों में। तो अभी हालातों को देखते हुए देखा जाए तो ये वाकई फिल्म बहुत अच्छा कर रही है। वहीं आप जानते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कितने ताबड़तोड़ व्यूज मिले हैं राधे और मोस्ट वांटेड भाई को। आई एम श्योर कि सलमान खान एंड टीम ये देखकर काफी सेटिस्फाइड होगी और खुश होगी, क्योंकि जिन हालातों में फिल्म को रिलीज किया गया है आप क्या ही उम्मीद लगा सकते थे फिल्म से, लेकिन उसके बाद भी इतना बेहतरीन कर रही है तो वाकई काबिल तारीफ है। ये है सलमान खान का स्टारडम, ये है सलमान खान का पावर। अभी के लिए इतना ही, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।